राम जी जो, छोड़ के गए हाँ जो हैं। राम जी छोड़ के गए थे, राम भगवान छोड़ के गए थे, वो उधर साइड वाला शिव जी है हाँ और उधर इधर वाला अभी ये, किया गया है हाँ स्थापित। हाँ स्थापित किए गए हाँ हैं, उनका सिर है वहां पर। अच्छा सिर भी है। हाँ और ये है धनुष का रेख। अच्छा ये रह गया धनुष का रेख। हाँ राम जी धनुष से रेख खींचे हैं हाँ सूर्य। ये हो गया। और जो है रेख बोल रहे हैं यहाँ तक है, देख सकते हाँ हैं। ये दिखा हुआ भी हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है राम जी। रेखा चिन्ह करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा मतलब ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं राम रेखा धाम, और यहाँ पे जो है जब श्री राम लक्ष्मण और सीता का जब वनवास हुआ था, 14 साल का जब उनका वनवास हुआ था, तो कुछ समय जो है कुछ दिन यहाँ पे उन लोग व्यतीत किए थे, इस जगह पे उन लोग रहे थे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कहाँ पे रहते थे। वो जो चट्टान अभी जो देख रहे हैं आप, बड़ा सा चट्टान, जो एक ही चट्टान दिख रहा है उसी के नीचे में है गुफा, और बड़ा सा गुफा है, एक ही गुफा है जो कि बड़ा सा है, लंबा सा है। वो अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब तरफ जो है बस जंगल आप लोगों को दिखेगा, एकदम खाली एरिया, सब तरफ जो है पहाड़ पहाड़ दिखेगा। और जो हम लोग के भारत सरकार का जो तीर्थ या स्थल का जो सूची है उसमें से ये भी एक स्थल है। और अभी यहाँ पे जो है राम लक्ष्मण सीता निवास किए थे, यहाँ पे कुछ दिन रहे थे, उसका भी यहाँ पे कुछ कुछ निशानी है, जैसे कि सीता माता का चूल्हा हुआ, फिर जो लक्ष्मण भगवान द्वारा बनाया गया था, अपने तीर से बनाया गया था, कुछ एक जलाशय है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और भी कुछ कुछ है चीजें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और ये जो गुफा है राम लक्ष्मण सीता का, वो थोड़ा सा नीचे करके है, नीचे में है वो गुफा, तो अभी हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी काफी सारे मंदिर बनाया गया है, पहले तो ये सारे मंदिर नहीं थे। और ये रहा उस गुफा का मेन गेट, उस गुफा का मुख्य द्वार। अभी तो मुख्य द्वार को भी बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, इसमें ही अभी राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे रह चुके हैं, इसीलिए श्री राम लक्ष्मण सीता का ऊपर में चित्रकारी भी किया गया है। अभी इसके अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाबा से बात कर लेंगे। बाबा आपका नाम क्या हुआ? हमारा महेश्वर शुक्ला है। अच्छा महेश्वर शुक्ला, आप यहीं पे रहते हैं? जी है, अच्छा तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इतिहास बताइएगा हम लोग को। यहाँ का इतिहास यही है कि राम जी जो राम जी जो वनवास टाइम के राम लक्ष्मण सीता तीनों निकले थे वनवास, उस समय आके यहाँ 14 दिन तक रुके। अच्छा 14 दिन रुके थे यहाँ? जी हाँ 14 दिन तक रुके थे, उसके बाद में फिर भ्रमण हो गए, फिर दोबारा यहाँ आए। अच्छा दोबारा आए थे फिर? हाँ यहाँ से जाने के बाद फिर से आए थे? हाँ फिर अच्छा, दोबारा यहाँ अच्छा, आए थे। उसके बाद में ही राम जी जो शंख पकड़ते थे, उस शंख अभी तक यहाँ मौजूद यहाँ पे है जी। अच्छा तो हाँ, हम लोग अभी देख सकते हैं शंख को? हाँ अच्छा, उसको दर्शन कर सकते हैं। हाँ, और शिवलिंग है। अच्छा वो उनको भी छोड़ के गए हैं वो है, और धनुष से रेख खींचे हैं इसीलिए इसको राम रेखा धाम। रेख खींचे, उसका कुछ निशानी? हाँ कहाँ पे रेख खींचे? अंदर में है। अच्छा अंदर में है, मंदिर अंदर में है, धनुष से रेख खींचे हैं वो राम, इसीलिए इसको राम रेखा राम रेखा कहते हैं। और जैसे कि ऊपर में हुआ सीता माँ का ये चूल्हा चूल्हा है, हाँ। उसके बाद एक यहाँ पे बोला जाता है कि लक्ष्मण भगवान के तीर से ये किया गया था क्या? हाँ उसके बाद में लक्ष्मण भगवान को सीता जी बोले कि लक्ष्मण जी हमारे लिए जल का व्यवस्था कीजिए। अच्छा जल का व्यवस्था करने। हाँ तो उसी समय लक्ष्मण जी रहिए भाभी हम जल का व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा उसी समय तीर मार के अच्छा, जल निकाल के जल निकाले थे ऊपर वाला ना। हाँ ये यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे है? हाँ वो कुंड यहाँ पर है। अच्छा, और शंभुक राक्षस एक था, यहाँ कोई आने जाने नहीं सकते थे, उसके चलते खा जाते थे। हाँ, उसको राम जी मार के वध किए हैं, वो यहाँ पर है। अच्छा उसका कुछ निशानी? हाँ निशानी है जी, गंगा के नीचे वो छोटा सा मंदिर जैसा है। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे उनका वध किया गया था? हाँ उनका सिर है वहाँ पर। अच्छा सिर भी है? हाँ सीता जी का और राम जी का चरण पदुका। कहाँ पे है चरण पदुका? ये घेरा वाला है, ये छोटा छोटा घेराव है ना। अच्छा अच्छा ये है। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे एक है वहाँ पे एक है ना। अच्छा वो चरण पादुका भी हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ। तो अभी हम लोग अंदर के सारे चीजों को देखेंगे, जो शिवलिंग बोले थे बाबा अभी, और जो शंख बोले थे अभी बाबा, वो सब अभी देखते हैं। चलिए बाबा थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए शंख और शिवलिंग। चलिए जय सीताराम बाबा। जय सीताराम, जय आइए। हाँ, उसको देखते हैं अभी जो शंख है वो सब। ये है गुप्त गंगा। अच्छा ये गुप्त गंगा हुआ? हाँ ये इसी को, मतलब एकदम गुप्त है ये, छिपा हाँ, हुआ है। हाँ, हल्का सा कुछ आप देख सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा जगह हाँ, से जल दिख रहा है इसमें, ये गुप्त गंगा हो गया। हाँ,
शंख है वो देखिए। अच्छा वहाँ पे रखा हुआ है भगवान का शंख, जो पुराना शंख है। हाँ उस कांच के अंदर में ना। हाँ कांच के अंदर। कांच के अंदर में है। हाँ वही शंख है। और यहाँ पे काफी सारे देवी देवताओं का ये है ना। हाँ और ये वाला शिव जी है, पुराने शिव जी। हाँ पुराना राम जी छोड़ के गए। हाँ जो राम जी छोड़ के गए थे, राम भगवान छोड़ के गए थे, वो उधर साइड वाला शिव जी है। हाँ उधर। और इधर वाला अभी किया गया है। हाँ हाँ स्थापित किए गए। हाँ ये तो अभी अभी स्थापित किया गया है। और ये मूर्ति सब पुराना मूर्ति की अभी स्थापित किया गया है। हाँ बाद में स्थापित किए हैं। अच्छा ये सब हमारे गुरु महाराज थे ना उस समय। और ये जो है ये बड़ा सा गुफा है ना बाबा। हाँ बड़ा सा गुफा। बड़ा सा गुफा। और ये है धनुष का रेख। अच्छा ये रह गया धनुष का रेख। हाँ राम जी धनुष से रेख खींचे हैं। ये हो गया। और जो है रेख बोल रहे यहाँ तक है, देख सकते हैं। हाँ ये दिखा हुआ भी। हाँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राम रेखा चिन्ह करके। बाबा डेली पूजा होता है क्या यहाँ पे? यहाँ डेली पूजा होता है यहाँ। अच्छा, दोनों टाइम को शाम सुबह। शाम सुबह डेली पूजा। हाँ सिंगारात्रि हो जाता है सुबह 8 बजे और शाम को भी संध्या रात्रि 8 बजे होता है। अच्छा और ये मेला लगता है कुछ, वो मेला का रहस्य क्या है, मतलब कब मेला लगता है? यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। अच्छा, तीन दिन का मेला लगता है। हाँ। अखंड कीर्तन भी चलता है। अच्छा तो वो मेला लगने का कारण क्या है, मतलब उस दिन ही निवास करने आए थे कि कैसे क्या? हाँ उन्हीं का उत्सव में। अच्छा उन्हीं का उत्सव में ये मेला लगाया जाता है। और अग्निकुंड आगे है। अच्छा अग्निकुंड कहाँ पे? वो बड़ा पानी टंकी दिख रहा है ना। अच्छा उसी जगह छोटा सा मंदिर दिखेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। श्री राम और सीता माता का तो हम लोग गुफा देख लिए जो कि उस साइड था, और इधर साइड जो है ये एक बड़ा सा ही गुफा है। वैसे तो ये बड़ा सा गुफा है लेकिन बीच में थोड़ा सा दीवार टाइप से बोल सकते हैं, बीच में थोड़ा सा दीवार टाइप से है। और इधर साइड लक्ष्मण भगवान रहते थे। तो अभी हम लोग अंदर चल के देखते हैं लक्ष्मण भगवान का भी गुफा यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है श्री लक्ष्मण गुफा करके। और ये जो है ये थोड़ा सा छोटा टाइप से है, आप देख सकते हैं ये छोटा है, उससे जो है वो जितना था उससे थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे लक्ष्मण भगवान रहते थे। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें रखा गया है और ये देख सकते हैं वो वाला गुफा में क्या है कि हम लोग आराम से घुस सकते थे, बट इसमें जो है थोड़ा सा झुक के घुसना पड़ रहा है। और यहाँ पे है श्री राम भगवान का चरण पादुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बनाया गया है, यहाँ पे पूजा पाठ किया गया है। चावल की वजह से उतना नजर नहीं आ रहा, चावल पूजा पाठ का सामान की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है श्री राम भगवान का चरण पादुका है यहाँ पे। और ये रह गया सीता माता का चरण पादुका, आप यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, यहाँ पे भी पूजा पाठ किया जाता है। वो गुफा है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई वो गुफा है। और यहाँ पे जो है ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो जंगल से होते हुए जा रहा है, ये रास्ता जो श्री राम लक्ष्मण और सीता का आने जाने का रास्ता था। फर्स्ट टाइम जो उन लोग आए थे तब भी वो इसी रास्ता से आए थे। और उसको याद रखने के लिए, उसको हमेशा याद रखने के लिए यहाँ पे एक चिन्ह भी दिया गया है, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है ताकि लोग उसको याद रखे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राम वन गमन पथ करके, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। श्री राम वन गमन पथ के जस्ट सामने में लक्ष्मण कुंड है। जैसे कि अभी बाबा हम लोग को बताया कि लक्ष्मण भगवान, जब सीता माता बोली थी लक्ष्मण भगवान को कि हम लोग को पानी का जरूरत है, पानी की आवश्यकता है, उस टाइम जो है लक्ष्मण भगवान अपना तीर से इस जलाशय का निर्माण किए थे। अभी तो कुछ इस तरह से आकृति बना दिया गया है, अभी ये सब जो है ये सीमेंट का है, लेकिन उस टाइम जो है केवल वो पत्थर था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका आकृति है इस जलाशय का। और ये है ऊपर में पवित्र गंगा कुंड, यहाँ भी ये भी एक जलाशय है। ये कुंड भी त्रेता युग से ही है, यहाँ पे लोग अभी स्नान करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ पे स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और पहले श्री राम लक्ष्मण सीता भी यहीं पे स्नान किया करते थे। और यहाँ पे माँ सीता जो है भोजन बनाती थी, यही था उनका चूल्हा। अभी तो क्या है कि कुछ कुछ निशानी जो है कुछ कुछ बचा हुआ है और मिट भी गया है कुछ कुछ, क्योंकि त्रेता युग का बात है। और अभी फिर भी जो है सरकार जो है इसको बचा के रखने के लिए कुछ ऐसे बना दिया गया है ताकि यहाँ पे लोग पूजा पाठ करें, इसको याद रखें। यहाँ पे आने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता है, इधर पहाड़ को ही काट के रास्ता बनाया गया है। ये रहा यहाँ का फर्स्ट गेट, यही एक गेट सबसे पहले मिलेगा, इसके बाद खूब चढ़ाने पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ला सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है रास्ता बनाया गया है, गाड़ी में आराम से पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। और गुफा तक आने के लिए एकदम चोटी तक चढ़ना पड़ेगा, एकदम चोटी तक, पहाड़ की चोटी तक आना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ की चोटी में ही है राम लक्ष्मण सीता का गुफा। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रामरेखा धाम है, और आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ही अच्छा एरिया है। और अभी वहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को वो भी एक शिवलिंग है,
यहाँ पे मंदिर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, नीचे में गुफा सब है, तो वहाँ जो है अभी आरती हो रहा है, अभी शाम का समय है तो आरती हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मेला लगता है तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ निशानी अभी भी है मेला का, कुछ कुछ चीज सब अभी साफ सफाई नहीं हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेला लगा हुआ है। और ये जगह जो है बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप चारों तरफ से जो है यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये खुद ही एक पहाड़ है, ऊपर से सब तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।